Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year questions of UPSC mains exam. So let us begin. Aaj ka jo question hai, it reads, Pala period is the most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. Ye GS paper 1 2020 mein aaya tha for 10 marks or 150 words. Aur ye hamare syllabus ke Indian culture wale part se aaya tha. To ab hum iska pehle meaning samajh lete hain. Ye question kehna cha raha hai ki India mein bahut sari dynasties thi jinhone Buddhism ko patronize kiya. बीट कुशान बीट मौर्यास बट इसमें जो पाला पीरियड था वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ बुद्धिज्म था तो ऐसा क्यों था ये हम देखते हैं तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि पालास के टाइम में बहुत सारे सेंटर ऑफ लर्निंग बनाए गए थे फॉर बुद्धिज्म सच एज नालंदा एंड विक्रमशिला उसके बाद दे पैटर्नाइज्ड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज अब्रॉड के अलावा दे मेड वेरियस कल्चर्स ऑफ टेराकोटा ब्रॉन्ज एंड रॉक कट एंड एट लास्ट वी कैन से उनके टाइम पे बहुत सारा लिटरेचर क्रिएट किया गया था जो कि बुद्धिस्ट और टांट्रिक ओरिजिन का था और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस और मैनुस्क्रिप्ट्स भी बनाए गए थे जो टिल डेट पाए जाते हैं तो अब आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हो वो देखते हैं तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन तो इन इंट्रोडक्शन यू कैन राइट दैट पाला डायनेस्टी वर्शिप बुद्धिज्म ऑफ महायाना एंड तांत्रिक टाइम समथिंग लाइक दिस यू कैन इंट्रोड्यूस फिर आप बॉडी में लिख सकते हो कि पाला पीरियड जो था बुद्धिज्म का उसमें क्या क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म तो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया गया था एजुकेशनल सेंटर्स बनाए गए थे फॉर बुद्धिज्म स्कल्पचर्स बनाए गए थे लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे तो इस तरीके से आपको बॉडी में लिखना है और आपको एन्यूमरेट करना है तो आपको एग्जाम्पल्स देने रहेंगे हर चीज के एंड देन यू कैन कंक्लूड कंक्लूजन में आप लिख सकते हो पाला पेट्रोनेज रीच्ड क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ धर्मपाला विच कैन बी सीन फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड नालंदा एंड अदर आर्किटेक्चर तो आइए अब हम इसका मॉडल आंसर कैसा होगा वो देखते हैं तो क्वेश्चन इज दिस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो पाला पीरियड 8 टू 11 सेंचुरी में हैड इट स्ट्रॉन्ग होल्ड इन बंगाल रीजन एंड वर्शिप महायाना एंड तांत्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म ये आपने इंट्रोड्यूस कर लिया अब पाला पीरियड एंड बुद्धिज्म पे आते हैं हम और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है एन्यूमरेट तो यू विल हैव टू गिव एग्जाम्पल्स अब जितने ज्यादा एग्जाम्पल दोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे लेट अस बिगिन तो बॉडी में हम आते हैं तो पहले आप लिख सकते हो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया गया था जैसे अतिस्ता एंड हरिभद्रा हो गया उसके बाद दे डेवलप्ड वेरियस सेंटर्स ऑफ लर्निंग सच एज विक्रमशिला एंड नालंदा तो मैं हर एक पॉइंट में एग्जांपल्स दे रहा हूँ मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स बनाए गए थे जैसे सोमापुरा हो गया फिर तांत्रिक लिटरेचर बनाया गया था जैसे दया भाग पाला तांत्रिक टेक्स्ट हो गया उसके बाद नालंदा ब्रॉन्ज स्कल्पचर था जैसे कि गॉडेस तारा का जो ब्रॉन्ज वर्क है इंत्री भागा पोस्चर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज वर्क ऑफ पाला पीरियड फिर दे स्प्रेडेड बुद्धिज्म इवन इन साउथ ईस्ट एशिया जैसे श्री विजय एम्पायर हो गया इंडोनेशिया का पाला बुद्धिज्म में हमें बहुत सारी पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट भी देखने को मिलती है ठीक है जैसे प्रजना प्रमिता हो गया उसके बाद इंटरनेशनल सिटीज बनाई गई थी फॉर पिलग्रिम मेडिटेशन एंड लर्निंग जैसे गौदा विक्रमपुला एंड एट लास्ट आप डाइवर्स मुद्रा एंड पोस्चर्स के स्कल्पचर्स देख सकते हो बुद्धा के जैसे महाबोधिनी टेम्पल स्कल्पचर में आपको देखने को मिलेगा और फिर आप कंक्लूड करोगे कि द पाला पेट्रोनेज फॉर बुद्धिज्म रीच्ड क्लाइमेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ धर्मपाला विच कैन बी सीन फ्रॉम एपिग्राफी सच एज बोधगया स्टोन इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर ऑफ नालंदा तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में एन्यूमरेट पूछा गया है तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने रहेंगे जितना आप एग्जाम्पल दोगे उतना आपका ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और ये आंसर हिंदी में है फॉर अवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स सो जिनको देखना है यू कैन नोट इट डाउन अगेन ये हिंदी मीडियम आंसर हो गया सो अ वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर